हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस पर। मैं निखिल पांडे आपके लिए सिविक्स का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेकर के आ गया हूँ। आप लोग को पता है कि मैंने आपको जियोग्राफी और हिस्ट्री में कुछ सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट कुछ सॉरी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अब बाद ये हमारे सिविक्स की जैसे मैं इसको बता के खत्म करूंगा, फिर आपको मैं आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं दूंगा, और इसके बाद फिर हम बैक करेंगे और जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स सब में धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जितनी भी आपको जानकारी हम दे रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, आप उसको लिखते भी होगे और उसको पढ़ते भी होगे। आप इसको फॉलो करें, इसको पढ़ें, और इसके अलावा भी जितने क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं आप उसको भी पढ़ें, ठीक है, और इसको भी साथ में आप पढ़ते रहें, ठीक है। इससे ये होगा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है और आप भी खुद से पढ़ रहे हो, खुद से समझ रहे हो, तो बोर्ड एग्जाम में इससे ये होगा कि संतुलन काफी अच्छा बना रहेगा और बोर्ड एग्जाम में आप काफी अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। और जैसा कि मैं लिख रहा हूँ टारगेट 90% प्लस, तो आप जरूर लेकर के आओगे। और मैं ऑलवेज आपसे बता रहा हूँ कि सोशल साइंस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये कौन सा सब्जेक्ट है? सोशल साइंस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप बहुत ही इजिली 85-90% मार्क्स गेन कर सकते हैं। 80-90 नंबर आप अपने एग्जाम में इससे सब्जेक्ट से पा सकते हैं। ये सब्जेक्ट बहुत ही इजी है, और जैसा कि मैं आपको हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप समझ के अगर चलोगे तो आप काफी अच्छे से एग्जाम में लिख लोगे, क्योंकि अगर आपको एक बार समझ में आएगा तो कॉपी पे पेन आपकी ऑलरेडी अपने आप चलने लगेंगी, नई नई चीजें आपको याद आती जाएंगी और आप लिखते जाओगे। अगर आप रट के जा रहे हो किसी चीज को तो वो सिर्फ तभी तक याद रहेंगी जब तक कि आपका एग्जाम होगा, या फिर एग्जाम के सुबह तक ही याद रहेंगी, उसका भूल जाती है ना। और जैसा कि आप लोग टेंथ में हैं तो फिर टेंथ का एग्जाम एकदम मॉर्निंग में ही होता है, मे बी 7 बजे से स्टार्ट होता है, 7 से 10, 10:30 तक चलता है ना। तो उसके लिए ये है कि आप पढ़ो, मेहनत करो और बोर्ड एग्जाम में आप काफी अच्छा कर ले जाएंगे। आइए हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। मैं देखिए आपको बार बार बोलता हूँ कि मैं ये नहीं लिखा हूं, नहीं तो मैं लिखूंगा कि कितने क्वेश्चंस कितने साल आपके पूछे गए हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि 2020 में कौन से आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आप उसको पढ़ें जो जिसके चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं ना। देखिए, और ये मॉडल पेपर से क्वेश्चन आपके उठाए गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सिंगली भाषी किस धर्म के अनुयायी थे? पहले आपके पास सिंगली भाषी थे कौन से? जो सिंगली भाषी है वो श्रीलंका में थे, ठीक है। किसके थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और कहाँ पर थे? वो श्रीलंका में थे। वहां पे तमिल के भी काफी लोग थे, लेकिन वहां पे जनसंख्या ज्यादा होने के कारण सिंगलियों को वहां पर क्या दे दिया गया, वहां पे उनको ज्यादा वोटिंग किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी संख्या वहां पर ज्यादा होने के नाते वो जीत गए। तो सिंगली भाषी किस धर्म के अनुयायी थे? सिंगली भाषी जो थे श्रीलंकन थे, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन में आपको दे देगा जैन धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी, जितने भी थे, लेकिन आपको सिर्फ उतना जानना है जो आपका आंसर है। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन थे? सिंगली भाषी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सेकंड क्वेश्चन है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? तो हम सबको पता है कि सन 1948 में श्रीलंका क्या हुआ, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ, ठीक है दोस्तों। यहां तक क्लियर आपको बात? हाँ, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ये हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखिए क्या है, देखिए अब क्वेश्चन थर्ड क्या है आपका। 1970 यानी कि 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम ने कितने संशोधन किए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आपका क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट वाकई में है। तो 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम ने कितने संशोधन किए? तो 4 संशोधन किए। बेल्जियम ने कितने संशोधन किए? टोटल 4 संशोधन किए। कितने सालों में? 23 सालों में 4 संशोधन। बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, है ना। और बेल्जियम ने कितने संशोधन किए? 4 संशोधन किए, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है, देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो सत्ता की साझेदारी ना, तो देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? तो सत्ता की साझेदारी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, और आपके चैप्टर का नाम भी है सत्ता की साझेदारी। तो अगर इससे क्वेश्चन पूछे तो आप गलत तो बिल्कुल भी मत करके आना भाइयों बहनों, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, ठीक। तो सत्ता की साझेदारी ये भी हो सकता है क्यों आवश्यक है, तो देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत आवश्यक है। अब इसके बाद मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन और लेकर के आया हूँ आपके लिए इस वीडियो में, उन 2 क्वेश्चंस को आप देख लें, उन 2 क्वेश्चंस को आप समझ लें। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा वो हमारा सिविक्स चैप्टर 1 का ही दूसरा पार्ट होगा, यानी सत्ता की साझेदारी जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसका 2nd पार्ट होगा वो। और उसमें आपके जितने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बड़े बड़े,
और मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको दो क्वेश्चन दूंगा, सिर्फ दो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और वो क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, बाकी आप समझते रहिएगा अगले क्वेश्चन को भी, लेकिन वो जो दो क्वेश्चन उससे 90% चांस है आपके बोर्ड एग्जाम में आने का, ठीक है। तो वो जो दो क्वेश्चन दूंगा मैं वो और ये छह क्वेश्चन, यानी कि सब्जेक्ट्स आपको इस चैप्टर से टोटल आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इसको पढ़ें, अब काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए काफी अच्छा, और टाइम भी आपके पास बचा हुआ है तो इस टाइम में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है ना। ये टाइम एक ऐसा है कि इसको आप चाहो तो बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, और अब ठंडी भी आ रहा है तो पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा, नींद भी आएगा, तो सोना नहीं है आपको ना, पढ़ना है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाँ, तो देखिए चैप्टर का जो हमारा नाम है वो आ गया क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है, या करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, या फिर सत्ता की साझेदारी से आपका क्या आशय है, ठीक, इसके बारे में आप टिप्पणी करें, इस कारण टिप्पणी दें या फिर बताएं। तो देखिए क्या होता है सत्ता की साझेदारी, आप समझ लीजिए, जब भी नहीं कि आप इसको पूरा एकदम रट के ही जाओ, आप समझ लो इसको कि देखो ये होता क्या हमारा ना, किसी देश में, किसी भी देश में, ना सिर्फ भारत में बल्कि किसी भी देश में, शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। और मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ा था तो भी मैं आपको बताया था, तो ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके लिए नहीं होना चाहिए कि सर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो ये कुछ मैटर नहीं करता है ना। सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है, तो बहुत ही अच्छा जवाब क्या है, किसी भी देश में शासन करने की शक्ति, शासन करने की शक्ति यानी कि पावर, मैं लिख भी देता हूं, शक्ति यानी पावर का समाज के अलग अलग समुदाय होते हैं, वर्ग होते हैं और लोग ना, तो किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। अब आप ये देखें सत्ता की साझेदारी क्या होता है कि लोगों में, जैसे कि हमारे क्या क्या होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, यानी केंद्र सरकार होता है और राज्य सरकार होता है हमारा ना, तो राज्य सरकार का अपना अलग काम है, केंद्र सरकार का अपना अलग काम है, तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से सत्ता की साझेदारी हो गई दोनों जन के बीच में, यानी कि जो संविधान में लिखा हुआ है इनको अलग कानून मिला हुआ है, इनको अलग कानून मिला हुआ है, इनके अलग नियम है, इनके अलग नियम है। अब ये तो जरूरी नहीं है भाई कि जो केंद्र सरकार में, केंद्र में बैठा हुआ है वो 29 राज्य जो कि घट के 28 हो गए हैं और हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश इनको चला पाए, तो इसके लिए आपको अलग अलग मुख्यमंत्री रखने होंगे, राज्यपाल रखने होंगे, और केंद्र चलाने के लिए आपके पास राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं, और आपको अगर राज्य में आओगे तो आपको मिल जाते हैं मुख्यमंत्री मिलेंगे, आपको राज्यपाल मिलेंगे, उपराज्यपाल मिलेंगे, सांसद लोग मिलेंगे ना। तो ये क्या है, ये एक तरीके से इनमें जो शक्ति का बंटवारा है, पुलिस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जैसे आप देखो कि IAS हो गए, IPS हो गए, उनका कुछ अलग शासन होगा, उनका कुछ अलग रूल होगा, और कुछ होते हैं अपने स्टेट में जैसे PCS हो गए, अपने SDM हो गए, या फिर आप बोल सकते हो कि एक कांस्टेबल भी है अगर, तो वो भी क्या कर रहे हैं, उनका एक अलग अलग अपना अपना रूल है, उनका एक अलग पावर है ना। तो सत्ता की साझेदारी इसका क्या तात्पर्य, तो किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदाय वर्गों लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का नहीं बल्कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। सत्ता की साझेदारी में आपको दो कंट्री के बारे में पढ़ना था, एक क्या, एक तो बेल्जियम और दूसरा क्या, श्रीलंका, ठीक। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उम्मीद करते हैं कि मैं जो बताऊं वो आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेकर के हम आएंगे और उसमें जो दो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए बने रहें, एकदम मन से पढ़ाई करें, और आपके बोर्ड एग्जाम में समय नहीं रह गया तो फिर मन से पढ़ाई करें, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। हेलो, वेलकम। अगर अब तक यूट्यूब के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस का आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर और बचे हुए महीने में आप किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें सब कुछ बताया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।